जी मैडम आप अपना अनम्यूट कर लें कृपया। हाँ जी जी सर, आवाज आ रही है सर? हाँ जी मैडम आ रही है आवाज। मैं विभा नामदेव आरटीआर व्हीकल गंगा नगरी ऋषिकेश उत्तराखंड से सभी प्रतिभागी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और श्रीमान जो हमारे आयुक्त महोदय हैं, मैं उनका भी बार बार चरण वंदन करते हुए उनका भी उनको प्रणाम करना चाहती हूँ। मैं आपको आप सभी लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि मुझे आरटीआई का कोई ज्यादा विशेष ज्ञान नहीं है, साधारण समझ रखती हूँ। जटिलता सुलझाने के लिए हमने कुछ संसाधनों को जुटाया है, लेकिन हमारे साथी बहुत सारे हैं जो मिलकर समस्याओं का समाधान रखते हैं और करते भी हैं। मैंने 2008 में सूचना का अधिकार पुस्तक लिखी, जो कि कुछ मैंने नेट से सर्च किया, कुछ हमारे जो उत्तराखंड के आयुक्त महोदय हैं उनका भी मुझे सपोर्ट मिलता है। मैं आपको थोड़ा सा रोकता हूँ, यह आप एक हाँ उसको एक को बंद कर दिया, ठीक है? आपके एक्चुअली दो दो विंडो चल रहे हैं, तो वो एक को बंद रखिए और एक को चालू रखिए, ठीक है? जी सर, जी सर, जी सर। हाँ, धन्यवाद। तो, हाँ, मैंने 2008 में सूचना अधिकार के तहत एक पुस्तक लिखी है, जिससे मैंने नेट का पूरा सपोर्ट लिया है। ये मैं पुस्तक आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, सूचना का अधिकार कैसे प्रयोग करें, इस तरीके से एक पुस्तक मैंने लिखी है जिसमें पूरा नेट का सहयोग लिया है। आयुक्त महोदय मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं और मेरे साथी जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उनका भी मुझे पूरा सहयोग मिलता है। और दूसरा प्रकरण मुझे दूसरा संस्करण मैंने इसमें निशुल्क वितरण करवाया है, खास तौर से जो बीपीएल लोग हैं उनके लिए निशुल्क मैंने निशुल्क इनको उपलब्ध करवाया है। और इस संबंध में मुझे आरटीआई में सन 2012 में राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार श्री महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रदान किया गया था। तो सर मैं ज्यादा मुझे इसका ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं मेरे साथ जितने भी आरटीआई एक्सपर्ट जुड़े हैं मैं उनका सपोर्ट करती हूँ, साधन संसाधन में जुटाती हूँ। बकाया मैं फील्ड वर्क में भी काम करती हूँ, तो जो भी मेरे सामने समस्याएं आती हैं, सर ये मुझे शील्ड भी मिली थी जो कि मतलब इन्होंने मुझे महामहिम द्वारा पुरस्कृत किया गया था। और मैं उत्तराखंड ही नहीं बल्कि अन्य स्टेट में भी अपनी बुक्स वगैरह भेजती हूँ। जहाँ कहीं एक बार मैंने राजस्थान जयपुर भी गई थी, तो वहाँ के चिड़ियाघर में भी देखा था कि मतलब यहाँ के जो चिड़ियाघर में जितने भी जानवर हैं इस तरीके के, ये भूखे मरते हैं, तो वहाँ भी मैंने आरटीआई लगाई थी। तो इस तरीके से अगर मैं कहीं जाती हूँ तो ये भी थोड़ा सा देखती रहती हूँ। फिर गई तो वहाँ के राजस्थान सूचना आयुक्त महोदय ने निःशुल्क मुझे निरीक्षण भी करवाया था। और मैं उत्तराखंड में तो काम करती हूँ सर, जहाँ पे मुझे जैसा भी दिखता है मैं हर डिपार्टमेंट में आरटीआई लगाती हूँ। और इसके साथ ही सर मैं काम करती रहती हूँ, जिस चीज का मुझे नॉलेज नहीं रहता है तो मैं आयोग महोदय से भी प्रार्थना करती हूँ, वो भी मेरा सपोर्ट करते हैं। और सर मैं आप लोगों से भी विनम्र निवेदन करूंगी कि सर जैसे मुझे कोई चीज समझ में नहीं आती है तो मैं आप लोगों का भी मार्गदर्शन चाहूंगी। सर मैं एक समस्या आपके सामने रखना चाह रही हूँ कि जैसे किसी महिला ने अपने पति के खिलाफ 125 के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए उसकी पे स्लिप मांगी, तो सर उसमें ना तो लोक सूचना अधिकारी ने कुछ जवाब दिया है, ना प्रथम अपील अधिकारी ने जवाब दिया है। अब सेकंड अपील मैंने सीआईसी में किया है, तो सर कितने दिन में उसका निस्तारण किया जाएगा? क्योंकि ये एक महिला के लिए उसके जीवन से संबंधित है सर, और उसका मतलब पति से जो मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं सर, उसमें सीआईसी का कितने दिन में, सीआईसी में बहुत टाइम लग जाता है सर। तो इसमें थोड़ा सा ये होना चाहिए कि कम से कम इसको जल्दी से जल्दी जवाब मिल जाए और उसकी पे स्लिप मिल जाए तो मैं उसकी कार्रवाई आगे कर सकूं सर। देखिए इसमें विभा नामदेव जी, क्योंकि 125 में जो कार्रवाई होती है वो भी अदालत उसको लेकर के बहुत मतलब संजीदा रहती है, और इसमें चूंकि लाइवलीहुड से जुड़ा हुआ मामला है, एक महिला के भरण पोषण का मामला है, वो रहेगी कैसे, क्या खाएगी, क्या पिएगी, तो इसमें तत्काल कार्रवाई की जरूरत होनी चाहिए। और व्यवस्था तो ऑलरेडी है इसमें कि पे स्लिप की जानकारी वो दी जाएगी, ऑलरेडी इसमें कोर्ट का निर्णय भी है,
और उसके तहत ये जानकारी देने योग्य है और उसको तत्काल देना चाहिए। अब चूंकि जानकारी नहीं दी गई है तो इसमें तो आप उस जो पीआईओ है, दोषी पीआईओ, उसके खिलाफ कार्रवाई की भी उसमें डिमांड करिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करवाइए। और दूसरा मुझे लगता है कि सीआईसी के पास अगर आप जाते हैं तो उसमें धारा 7A के तहत उसको 48 घंटे के अंदर आप उसको अपना आधार बनाइए, आप उसमें ये दीजिए कि भाई क्योंकि ये आउट ऑफ टर्न इसकी सुनवाई होनी चाहिए, और ये क्योंकि आपके किसी के जीवन जीने का आधार है ये इसमें जुड़ा हुआ, तो इसको तत्काल इस तरह के प्रकरण का निपटारा होना चाहिए। तो इसमें आप जो भी इसमें आवेदक हैं उनको जाकर के सीआईसी में पर्सनली मिलना चाहिए और बताना चाहिए कि ये मेरा ऐसा पर्सनल इसका मैटर है और मुझे दिक्कत है क्योंकि ये मुझे जानकारी नहीं मिल पा रही, इसलिए कोर्ट में भी ये सेटल नहीं हो पा रहा है, और उस आधार पर मुझे लगता है कि इसमें तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। सर होना चाहिए, लेकिन ये तो मुझे सीआईसी में कभी कभी, मैंने एक पहले भी कोई डाली थी अपील, तो लगभग 6-7 महीने में वहां से सुनवाई हुई थी। इसमें तो मैं मान रहा हूँ आपकी कि देखिए अपीलों की संख्या चूंकि जिस तरह का सूचना आयोग में जितने सूचना आयुक्त चाहिए उतने सूचना आयुक्त भी नहीं है, स्टाफ भी नहीं है, तो ये तमाम चीजें हैं, दिक्कतें हैं, उस कारण से अपीलें ढेर सारी पेंडिंग है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर आपका कोई ऐसा पर्सनल मामला है, किसी का भी, आप में से को जितने लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, किसी का भी ऐसा कोई विषय अगर आता है और आप, मुझे लगता है कि पर्सनली जाकर के मिलेंगे सूचना आयोग से, तो उसमें जाकर के बताएंगे कि ये जानकारी आपके लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है, तो उसकी सुनवाई होगी और जल्दी होगी। ये इसके लिए कोशिश करना चाहिए ताकि आपके जो इस तरह के मैटर है जहां पर पेंशन से जुड़े हुए मैटर होते हैं या फिर आपके पेस्लिप से जुड़ा हुआ मैटर होता है, ये सब मैटर में तो और 48 घंटे के अंदर तत्काल इसको प्रायोरिटी पे लेकर के इसको सूचना आयोग को इस पे काम करना चाहिए। लेकिन इसके लिए मिलना चाहिए, अगर रेगुलर आरटीआई किस्म की आरटीआई है तो डेफिनेटली उसमें समय लगता है, थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन उसमें भी कई बार हमारे सामने जो हमने खुद अपने कार्यालय में व्यवस्था बनाई है वो यही है कि कोई आवेदक अगर अपनी ओर से अप्रोच करता है, क्योंकि देखिए हम लोग वैसे ही पूरा जो आरटीआई का आप अगर कानून पढ़ेंगे तो कानून में जो मेन आप देखेंगे कि 30 दिन में जानकारी देने का प्रावधान है, 30 दिन के बाद फिर उसके बाद सेकंड अपील का भी पूरा मतलब डेट वाइज एक प्रावधान दिया हुआ है। जब सॉरी माफ कीजिएगा, फर्स्ट अपील में भी डेट वाइज उसका प्रावधान है, सेकंड अपील में जाकर के उसमें कोई उसमें जिक्र नहीं है कि कितने दिनों में इसका निपटारा होगा। तो इसीलिए मेरा, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये पूरा चूंकि एक समयबद्ध तरीके से अपील को सुनने की एक प्रक्रिया पूरी है तो इसमें समय सीमा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो अगर आप अगर ये बताते हैं, अगर हमारे पास सामने कोई ऐसा कोई आवेदक आता भी है कि भाई हमें जल्दी सुन लिया जाए तो हम लोग तुरंत, क्योंकि आवेदक खुद ही इतनी अगर उसकी रुचि है उस जानकारी में और वो अप्रोच कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसको सुना जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि सुनवाई अपनी ओर से भी अप्रोच करके, सूचना आयोग को अप्रोच करके अपनी सुनवाई जल्दी करवाएं। सर जैसे सीआईसी का मामला है तो वहां सर कैसे मिलेंगे, क्या करेंगे सर, थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिएगा। सीआईसी में देखिए आपके जो डिपार्टमेंट है आपको भी मालूम होगा कि किस इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास ये मामला है, तो आप वहां जाकर के अगर आप दिल्ली में जाना होता है तो आप वहां जाकर के भी डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, या तो फिर उनको एक लेटर लिख दीजिए अर्जेंट हियरिंग के लिए, अगर जाना नहीं होता है तो एक अर्जेंट हियरिंग के लिए लेटर लिख करके आप उसमें लिख दीजिए कि ये जीवन जीने के आधार से जुड़ा हुआ मामला है और 48 घंटे में इसका होना चाहिए और इस तरह की समस्या आ रही है। और ऑलरेडी देखिए इसमें कोर्ट के निर्णय भी हैं कि पेस्लिप की जानकारी जो है वो महिलाओं को जानकारी तत्काल देनी चाहिए, ऑलरेडी इसमें कोर्ट की डिसीजन है। जी सर, एक क्वेश्चन सर मेरा और है, जैसे सर उत्तराखंड सूचना आयोग ने एक आदेश पारित किया है कि जो सूचनाएं किसी विभाग के प्रचलित नियमों से मिल सकती हैं उन सूचनाओं को आरटीआई से नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, आप ऐसा उसमें ऐसा करिए कि देखिए जैसे तमिलनाडु हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था उसमें ये था कि जैसे राजस्व के मामले हैं जैसे खसरा और ये सब आप डिटेल लेते हैं रेवेन्यू लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड, तो उसमें हाईकोर्ट ने ये कहा है कि आपके जो रूल्स एग्जिस्टिंग हैं तो उसमें पहले उस ऑप्शन को एग्जॉस्ट करना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि
आप आरटीआई के तहत नहीं ले सकते हैं। मेरा ये मानना है, देखिए क्या होता है क्या कि जैसे राजस्व के नियम है, अब उसमें 100 रुपए होती है एक आप लैंड रिकॉर्ड का डेटा लेते हैं और आरटीआई में वो 10 रुपए की है। तो इसीलिए पहले ये व्यवस्था ये है कि पहले आप उसके तहत आप प्राप्त कर लीजिए, लेकिन उसमें धारा 22 भी है और धारा 22 जो है ओवरराइडिंग इफेक्ट है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हर डिपार्टमेंट जो है वो आरटीआई को खत्म ही कर दे और वो कहे कि हमने तो अपने नियम बनाए हुए हैं और आप इसके तहत ले लीजिए। मेरा कहना है कि नियम कहीं से भी, वो नियम कहीं से भी वैसे नियम नहीं होंगे कि वो आरटीआई के प्रावधानों को पूरी तरह से बाईपास कर दे या फिर उसके अगेंस्ट हो। आरटीआई के तहत जो है वो जानकारी बहुत सरल और सहज रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। अगर उन्होंने कुछ ऐसे नियम बना लिए कि उसमें बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही हो तो वो गलत है। मेरा कहना है कि अगर आपने अगर उसमें जैसे भू राजस्व की मैं बात करूंगा और अगर उसके तहत अगर आप कोई अपना जमीन की जानकारी मांगते हैं और वो उसमें देखिए हर जगह एक लोक सेवा गारंटी नियम के तहत भी इसमें कार्रवाई होती है कि आपको पर्टिकुलर डेज में उसका निपटारा होना है। 4-5 दिन तो रुकना है आपको, उससे ज्यादा नहीं रुकना है। तो वो उसमें लिखा हुआ रहता है कि इसकी जानकारी उस पर्टिकुलर विभाग के तहत कितने कितने दिनों में मिल जाएगी। उतने दिन रुकिए और रुकने के बाद आप एक आरटीआई लगाइए, आरटीआई में दीजिए कि मैंने पहले इसमें ये जानकारी चाहिए और साथ में उसमें एक नोट लगा दीजिए ये जानकारी मैंने इस नियम के तहत मांगी थी, इतने दिन बाद भी मुझे नहीं दी गई, इसीलिए इसमें आरटीआई दायर की गई है। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। फिर तो उसमें आधार बनेगा ही बनेगा और उसमें फिर कार्रवाई का भी आधार बनेगा। आप दो कार्रवाई मांगिएगा, आप ये करिए सूचना आयोग में जाकर के आप ये कहिएगा कि इस अधिकारी ने शासन के नियम के तहत इन्होंने कार्रवाई नहीं की। डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी का मामला बनता है, सिविल सेवा आचरण के खिलाफ है क्योंकि व्यवस्था ये थी कि उसको शासन के नियमों के तहत 5 दिन में बस नहीं दी, उन्होंने उल्लंघन इस चीज का किया। दूसरा उल्लंघन उन्होंने आरटीआई का भी किया जब आपने आरटीआई दायर की और आरटीआई में उनको 30 दिन में जानकारी देनी थी, 30 दिन में नहीं दी, तो उन्होंने दो उल्लंघन किए, तो डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी का भी मामला इसमें बनेगा। सर एक क्वेश्चन और है मेरा कि जिस तरीके से कोई अपील करती हूँ हिंदी में तो आयोग उसमें इंग्लिश में देता है, सर इतना मुझे ज्ञान तो है नहीं कि मैं इंग्लिश से समझ सकूं कुछ, तो सर इसमें जो अपील का जो जवाब देते हैं तो हिंदी में सर होना चाहिए। देखिए आप उसमें एक्ट में भी लिखा हुआ है कि स्थानीय भाषा हिंदी इंग्लिश, तो ये दिया हुआ है प्रावधान और अगर आप उसमें उनको बताएंगे तो वो डेफिनेटली उसको वो हेल्प करेंगे, उसमें उनको करना चाहिए। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप हमेशा आयोग में उस समय सुनवाई के समय भी आप उसमें आप हो सकते हैं हिंदी में भी बहुत ही क्लिष्ट शब्द भी आते थे उसमें, तो उसको हम जब ऑर्डर बना रहे हैं तो ऑर्डर ऐसा बना रहे हैं कि ताकि आम जनता को समझ में आए। अब जैसे एक शब्द है शास्ति अधिरोपित कर दी, अब शास्ति अधिरोपित कर दी ये कई लोगों को समझ में नहीं आता ये क्या चीज अधिरोपित कर दी है। वो शासकीय कार्यालय में बड़ा चलता है शास्ति अधिरोपित कर दी, अरे आप उसको जुर्माना लिखिए, जुर्माना लिखने में क्या दिक्कत है। जो आम प्रचलित भाषा में जो शब्द है उसका उपयोग होना चाहिए इवन शासकीय इसमें भी, ताकि लोगों को समझ में आए सरल सहज रूप से। तो मैंने तो अपने ऑर्डर उसका सरलीकरण करके मैं उसमें लिखता हूँ, तो ये व्यवस्था जो है हमें लगता है कि इसमें थोड़ा सा आयोगों को भी इसमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि किस तरह से अपने आदेश दें और ताकि जनता को आम लोगों को समझ में भी आए वो। जी सर, जो सेंट्रल के आयुक्त महोदय हैं सर ये तो काफी सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो सीआईसी से आदेश पारित होते हैं सर वो इंग्लिश में ही आते हैं जो कि बहुत विडंबना होती है, समझ नहीं पाते हैं। आप एक बार चर्चा करके देखिए, उनसे उनसे कहिए कि ये इस तरह की समस्या होती है और लेट्स सी कि उसमें क्या, क्योंकि उनका मैंने देखा है कि सीआईसी के अधिकतर जो सारे आदेश जो होते हैं वो सारे आदेश इंग्लिश में ही रहते हैं। जी सर रहते हैं सर, लेकिन थोड़ा सा उसमें परेशानी यही होती है कि इंग्लिश का इतना नॉलेज है नहीं है तो मुझे बहुत ही दिक्कत होती है सर समझने में, जिसका मैं समझ नहीं पाती हूँ। और मैडम धन्यवाद आपका, हाँ मैं ये निवेदन कर रहा था आपसे। हाँ जी जी प्लीज।
एक सूचना अधिकार कार्यकर्ता मेरे साथ उपस्थित है, वो आयुक्त महोदय जी से कुछ पूछना चाहते हैं सर, अगर अनुमति हो तो मैं। ठीक है, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। ये अधिकार जो चल रहा है अधिनियम, ये सरकार इसको खत्म करना चाहती है, इसमें आयोग की ही भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि आयोग शक्ति बढ़ते, जैसे आप मध्य प्रदेश से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस तरह से अगर कोई आपकी जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं, जो आयोग की ट्रेनिंग वगैरह होती है, इसमें आप सभी प्रदेश के आयुक्त महोदय इकट्ठे होते हैं, उस समय अगर ये ऐसा होता है सर कि आयोग अपने स्तर से थोड़ा सा ज्यादा शक्ति बढ़ते, जैसा कि शुरुआती चरण में हुआ था, तो शायद लोग सूचना अधिकारियों को, पब्लिक अथॉरिटीज को डर बैठ जाएगा। और दूसरा, थोड़ा 4-1-B के अभिलेख हैं, ये भी जो है थोड़ा सा अपडेट होते रहेंगे। देखिए, ऐसा है कि उसमें सिर्फ सूचना आयोग, मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा लोगों को भी सजग होना पड़ेगा और आम जनता को थोड़ा सा इसमें अपनी अपना योगदान देना पड़ेगा। आप जैसा आपने सही कहा है कि शुरुआती दौर में सूचना आयोग जो था वो बहुत अच्छे काम कर रहा था, उसके बाद समस्याएं सामने आती गई और शासन की भी उतनी ज्यादा रुचि जो थी इस तरफ दिखी नहीं, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा पेंडेंसी भी बढ़ गई है केसेस की। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग, जैसे आपने ये जो मुद्दा उठाया है कि धारा 4 के तहत जो जानकारी अवेलेबल होनी चाहिए, तो वो उसको कैसे अवेलेबल करवाएं, तो उसमें सबको मालूम है, सूचना जितने सूचना आयुक्त हैं उन सबको मालूम है, पूरे देश भर में सूचना आयुक्तों को मालूम है कि धारा 4 का सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है। लेकिन शिकायत कौन करेगा? आपको शिकायत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी, आप लोग लेकर आएंगे वो मुद्दा। हमारे सामने आ रही है शिकायतें, अभी शिवानंद जी ने कई इसमें कई डिपार्टमेंट की, उन्होंने धारा 4 के तहत जानकारी के का मुद्दा उन्होंने उठाया था, हम लोगों ने उसमें निर्णय भी दिया है और व्यवस्थाएं बदलती है और उसको फॉलोअप करने से बदलती है, सिर्फ ऐसे नहीं बदलेगी। अभी जैसे उसमें हमने तो दे दिया है कि धारा 4 के तहत आप ये करिए, अब मेरा कहना है कि अब उसमें अगर फिर दोबारा किसी को देखना चाहिए कि वो धारा 4 के तहत जो आयोग ने अगर आदेशित किया हुआ है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो फिर आप उसमें धारा 18 के तहत निःशुल्क आप सीधे एक शिकायत पत्र लिखिए और उसमें कहिए, उसमें आयोग के उस आदेश का जिक्र करिए कि आपने इस दिनांक को ये आदेश किया था धारा 4 के तहत, आज भी उसका पालन नहीं किया गया है, यहाँ धारा 18 का उल्लंघन, ये मैं शिकायत कर रही हूँ और इसमें इनके विरुद्ध जो है, जो इसमें लोक प्राधिकारी हैं, PIO के विरुद्ध या लोक प्राधिकारी, क्योंकि लोक प्राधिकारी को अगर दिया होगा धारा 4 का जो परिपालन का जो आदेश होगा कि भाई को आपको इम्प्लीमेंट करना है इस आदेश को, तो मुझे लगता है उसकी भूमिका जो है लोक, जो पब्लिक अथॉरिटी है जिसको हम लोक प्राधिकारी कहते हैं, उसकी बनती है। मतलब आप PIO से, मैं PIO की बात नहीं कह रहा हूँ, PIO तो एक निचला अधिकारी, पब्लिक अथॉरिटी, हाँ, मैं पब्लिक होगा जो इम्प्लीमेंट करेगा इस ऑर्डर को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो आप उसमें ये करिए कि भाई ये आयोग के आदेश की अवहेलना की है, इसमें इन्होंने एक तो इन्होंने ये काम नहीं कर रहे हैं, ये जो पब्लिक अथॉरिटी जो भी है, तो इनके खिलाफ जो है एक तो सिविल सेवा आचरण नियम के विरुद्ध भी है इन्होंने जो कार्य किया है कि आयोग के आदेश की अवहेलना कर दी है, तो इनके विरुद्ध एक तो सिविल सेवा आचरण नियम के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई करें, जिसका अधिकार मुझे लगता है कि 19(8)(a) के तहत उसका अधिकार सूचना आयोग को है कि वो इस तरह के निर्णय पारित कर सके। तो एक तो ये कार्रवाई आप करवाने के लिए आप डिमांड कर सकते हैं, दूसरा आप सीधे जो उल्लंघन किया उसमें उसको क्यों ना उसको डीम्ड PIO मानते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई, जो धारा 20 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए वो लोक प्राधिकारी के अगेंस्ट हो, तो उसमें उस कार्रवाई की डिमांड करिए। और ये तभी होगा कि लोग अपने अपने क्षेत्रों में अपनी जगहों पर रह करके धारा 4 को अगर आप पालन करवा देते हैं, तो मुझे लगता है कि ये अगर आप सूचना के अधिकार अधिनियम को देखते हैं तो उसका सबसे जो पावरफुल धारा 4 है उसका अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो आप समझिए कि मतलब इन्हें बहुत सारी व्यवस्थाएं अपने आप दुरुस्त हो जाएंगी। जी बिल्कुल सही, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, हम आपका समय नहीं लेंगे, आप अपनी चर्चा में भाग लीजिए, बार बार प्रणाम सर। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। और हाँ जी, गुड मॉर्निंग, जी नौ वर्ष की आप सही हो, और बधाई, बिल्कुल। हाँ
और मैं ये कह रहा था कि अभी आप लोग यदि कोई प्रश्न है तो आप मैम से पूछ सकते हैं, और हमारी पंक्ति जो मैडम भी हैं वो जिन्होंने बहुत नए नए नवाचार इस तरह से किए हुए हैं, आप लोगों का स्वागत है, आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न उनसे पूछें और अपने मतलब जो भी डाउट है आप लोग क्लियर करें, अपन सीधे क्वेश्चन आंसर सेशन में आ जाते हैं। सर ये जो विभा नामदेव मैम जो प्रस्तुत कर रही थी कि मतलब जो आयोग है मेरा डिसीजन अंग्रेजी में देता है, जबकि सीआईसी का दिल्ली का डिसीजन है कि आवेदक जिस भाषा में आवेदन करेगा उसका निस्तारण उसी भाषा में होगा, ये सीआईसी का डिसीजन है, मैं इनको वो रूलिंग दे दूंगा जिसको आप उसको दर्शा करके अपनी बात रख सकती हैं कि ये आप ही का आदेश है, इसका अनुपालन करते हुए मेरे को मेरे आवेदन जिस भाषा में उसी में दिया जाए। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका भी मेघराज जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है, वो आप शेयर भी कर लीजिएगा यदि होगा तो ग्रुप में आप शेयर कर लीजिएगा। और बिल्कुल, क्योंकि भाषा तो भाषा होती है, चाहे वो जर्मन हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, नहीं समझ में आती है तो नहीं समझ में आती है, सीधी सी बात है, उस रीजन की भाषा होनी चाहिए। यदि हमें गुजरात के हमारे भाइयों को गुजराती भाषा समझ में आती है तो जरूरी थोड़ी है कि उनको कोई दूसरी भाषा जबरदस्ती वो किया जाए, या कि तमिल में है तो तमिल में उनको समझ में आती है तो वो बाध्य नहीं है, ठीक है, वो अलग बात है। यही तो हमारे देश की विशेषता है कि एक तरह से हम हमारे पास इतनी फ्रीडम है कि हम अपने भाषा अपने कल्चर का यूज करते हुए उस समझ के हिसाब से अपने आप को इसी तरह से संगठित तौर पर आगे बढ़ाएं। हमारे देश की अनेकता में एकता की ये मिसाल है, और हमें हमें लगता है कि हमें आयोग को ये बात याद दिलवानी पड़ेगी। धन्यवाद मेघराज जी, आप वो बात जरूर भेजिएगा ऑर्डर। और आप लोग कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे बीच में पंक्ति जोग मैडम है, सर जुड़े हुए हैं, और जो भी डाउट्स आप लोगों के कृपया आप लोग पूछ लें। सर मेरा एक सवाल है। हेलो, नमस्ते सर। हाँ, आपकी आवाज आ रही है रमेश जी, बिल्कुल। हाँ, मेरा एक सवाल है सर से। अतुल जी बोल रहे, राहुल सर से मेरा एक सवाल है। मैंने एक शिकायत दर्ज कराई थी सूचना आयोग में।